परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो 24 सितंबर को सात फेरे लेंगे और 23 सितंबर को उदयपुर पहुंचेंगे। इसी बीच परिणीता 17 सितंबर को दिल्ली पहुंची, जहां मंगेतर राघव चड्ढा उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि परिणीति और राघव की शादी की रस्में 17 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। शुरुआत अरदास से हुई, जिसके बाद शब्द कीर्तन हुआ। इस रस्म में परिवार और रिश्तेदारों के अलावा करीबी दोस्त ही शामिल हुए। ई टाइम्स के मुताबिक इस रस्म के बाद 20 सितंबर को ग्रैंड सूफी नाइट रखी जाएगी, जिसमें बहन प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस और बेटी के साथ शामिल हो सकती हैं। 23 सितंबर को परिणीति और राघव चड्ढा के साथ साथ उनके परिवार वाले रिश्तेदार और दोस्त उदयपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पहले परिणीति की चूड़ा सेरेमनी होगी और उसके बाद बाकी रस्मों की शुरुआत होगी। 23 सितंबर को ही मेहमानों के लिए एक वेलकम लंच भी रखा गया है, जो दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगा। परिणीति और राघव उदयपुर में लीला पैलेस में शादी करेंगे। यहाँ सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा की सेहराबंदी ताज होटल के लेक पिचोला में होगी। इसके बाद ही वे बारातियों के साथ दुल्हनिया परिणीता को लेने लीला पैलेस होटल नाव में जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस नाव को मेवाड़ी कल्चर के हिसाब से सजाया जाएगा। परिणीता और राघव के परिवार वाले और रिश्तेदारों को 2 अलग अलग होटल में ठहराया जाएगा। 24 सितंबर को 1 बजे शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। राघव की सेहराबंदी 2 बजे होगी और उसके बाद फिर बारात प्रस्थान की जाएगी। जयमाला 3:30 बजे होगी, फेरे शाम को 4 बजे और उसी दिन रात को 8:30 बजे रिसेप्शन होने की जानकारी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि शादी में परिणीति चोपड़ा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए आउटफिट पहनेगी। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।